Assalamualaikum viewers, this is your host Nim Rahmat and you are watching our YouTube channel Catalyst Entertainment. Viewers, आज हम यहाँ पाकिस्तानी आवाम को एक इंडिया का क्लिप दिखाएंगे, उनकी सिटी का एक क्लिप दिखाएंगे जिसका नाम है नोएडा, जिसे मिनी जापान भी कहा जाता है. इंडिया ने अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है और नोएडा जो है उसे मिनी जापान भी कहा जा रहा है, मिनी जापान का नाम दिया गया है. आज पाकिस्तानी आवाम से उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाएंगे इस जगह का और उनसे कहेंगे कि इस जगह का नाम गेस करें. देखते हैं कि आज हमारी आवाम गेस कर पाती है या नहीं. तो चले आवाम की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिव्यूज मिलते हैं. व्यूवर्स, हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये जो क्लिप हमें दिखाने जा रहे हैं ये कौन सी जगह है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? फिजा. अच्छा, फिजा कैसी हो? मैं ठीक, आप बताएं. मैं बहुत अच्छी. अच्छा, यहाँ क्या लेने आई हूँ? शॉपिंग करने आई हूँ. अच्छा, आज हमारे पास आपके लिए एक चैलेंज मौजूद है. ठीक है, हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे, आपने जगह गेस करनी है. दिखाऊँ? जी दिखाएं. आर यू रेडी? यस. नाम है आपका? मेरा नाम हीरा है. अच्छा, हीरा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं. मैं बहुत अच्छी. अच्छा, आज हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे, आपको जगह गेस करनी है. आर यू रेडी? ओके, आई एम रेडी. ओके, बताओ. इतना मतलब क्लीन लाहौर नहीं हो सकता, कराची तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब है, ये तो वाओ वाओ. उन जगह का नाम भी दस दो. ये कोई या तो यूरोपियन कंट्री है या फार ईस्ट का कोई कंट्री है. नाम? फार ईस्ट में बेशुमार कंट्री है. नाम? फार ईस्ट. आपको यूरोपियन कंट्री लग रही है? हाँ, क्यों लग रही है? यूरोपियन टच भी ऐसे हैं ना, यूरोपियन लोकेलिटीज भी ऐसी हैं. और फार ईस्ट में मसलन सिंगापुर है, जापान है. अच्छा. फिलिपीन है. कि आपको डेवलपमेंट यूरोपियन कंट्रीज जैसी लग रही है? ऐसी लग रही है. मैं आपको बता दूं, यूरोपियन कंट्री नहीं है ये. अच्छा, ये यूरोपियन कंट्री नहीं है? यूरोपियन कंट्री नहीं है बिल्कुल. तो फिर ये या फॉरेस्ट का होगा तो या फिर, एक मिनट, ग्रीनरी से एशिया तो नहीं बता रही, लेकिन जब से पाकिस्तान में इमरान खान साहब के विजन के बाद पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है. इसमें बहरहाल अभी जितनी डेवलप्ड ग्रीनरी है, जितनी ग्रोन अप हुई हुई है, ये लगता नहीं है कि ये एशिया होगा. फिर क्या लगता है आपको? शायद यूरोप. अच्छा, एशियन कंट्रीज में ग्रीनरी है ही नहीं? नहीं है सही, लेकिन इतनी मट्टी मट्टी है, ग्रोन अप नहीं है. ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप लग रही है और काफ़ी मतलब कि वेल मेंटेन्ड है. और ये कौन सी कंट्री है? पुर्तगाल. पुर्तगाल कहाँ से आ गया? स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड कभी गए हो? नाम सुना है. कैसे जाने? नहीं नहीं, मैंने रिसर्च की भी है स्विट्जरलैंड के बारे में. अच्छा, पिक्चर्स देखी हैं, वीडियोस देखी? जी जी बिल्कुल. ये वाली वीडियो थी? नहीं, ये वाली तो नहीं देखी, गेस किया मैंने शायद. नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं है. ऐसे जैसे कोई जापान वगैरह, मतलब इस तरह का. ये तो बहुत जापान क्लीन है और बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी. इस जापान लग रहा है. अभी जापान गई? ना. फिर कैसे पता कि जापान है ये? वो वीडियोस में, इस तरह मूवीज वगैरह में. स्पेशल जापान की देखती हो? नहीं. फिर लग रहा है ना, बंदा क्या कर सकता है, एक माइंड में आ रहा है कि ये कोई और लग रहा है. मतलब ये जापानी है, पक्का जापानी है, जापान वाला जापानी है. किसी और कंट्री ने जापान बनाया हुआ है? क्या लग रहा है? मतलब इतना साफ सुथरा पाकिस्तान तो नहीं हो सकता ना. जापानी है. जापानी है. लोग करते जापान ही है. अच्छा, मुझे बताओ, ये जापान तो है ही, लेकिन कोई एशियन कंट्री है जिसमें ये है? एशियन कंट्री? ना हिंट दे दी, अब तो बता दो. देखो, साफ पाकिस्तान तो है नहीं. ऑब्वियसली. हाँ जी, नहीं पाकिस्तान नहीं है. फिर जापान ही है. जापान ही है. अच्छा, मुझे बताओ, ये जापान है, मिनी जापान है, लेकिन कौन सी एशियन कंट्री में है? एशियन कंट्री में कौन सी? इतना बड़ा तो हिंट दे दिया है. क्या लग रहा है? फिर से दिखाऊं क्लिप? देखो, गौर से आंखें फाड़ के देखो. आंखें फाड़ के भी देख लो. मैंने तो नहीं कभी इतना, मैं कभी गई नहीं, लेकिन वो ही लग रहा है. गेसेस, किसी एशियन कंट्री में है ये मिनी जापान? इंडिया. कैसे गैस किया? वैसे वो क्या इससे मतलब इन जगह, किन जगहों से? ये जो ऑडियंस को बताओ ना, मतलब वो जो इंडियंस की होती है,
क्या उनको कहते हैं मुझे खुद नहीं पता, जैसे यहाँ मस्जिद वगैरह होती है वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस। कमी एक मिनट, ये तो वो कैसे, मैं लोकेशन देख रहा हूँ। लोकेशन आप इंडिया गए थे? लोकेशन नहीं, बसों पे लिखा ये हर चीज पता चलता है। यानी कि आप लिखावट चेक कर रहे हैं? जी हाँ। वैसे नहीं आपको समझ आई? नहीं वैसे नहीं आई। इंडिया है ये? इंडिया का हाँ जाहिर है, इंडिया के मुंबई में बहुत है अच्छा है, कलकत्ता बहुत अच्छा है, जिसको पता नहीं आजकल वो क्या कहते हैं कोलकाता, और वो कोलकाता ये तो मेरी जापान है। मेरी जापान है? ओ वाओ, कैसे गेस किया आपने? वो पता चल गया मुझे एक वो साइन बोर्ड देख के। ओ साइन बोर्ड देख के आपने पहचाना, वैसे आपको नहीं पता लगा? नहीं चला, नहीं चला। एक सेकंड, ये मुझे इंडिया लग रहा है। वो कैसे? ये जो बिल्डिंग्स हैं और ये जो आर यू श्योर इंडिया है? नोएडा? सॉरी नोएडा। नोएडा। ये आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। ये नोएडा ही है। मैंने सिर्फ वीडियोस ही में देखा है, इंडिया मेरा जाने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। क्या है भाई ये, क्या है ये? मुझे जापान लग रहा है। जापान लग रहा है? हाँ जी वाकई में जापान है। हाँ जी मुझे जापान ही लग रहा है। जापान गई हो कभी? अरे नहीं वैसे लग रहा है मुझे ना। फिर कैसे पता कि ये जापान है? बस मुझे लग रहा है ऐसे, यही मुझे इंडिया लग रहा है। ऐसा कैसे लग सकता है आपको? लेकिन ये मुझे इंडिया लग रहा है। अब क्यों इंडिया लग रहा है? बस मुझे लग रहा है। लेकिन लग ही क्यों रहा है, इंडिया ही क्यों लग रहा है? लेकिन मुझे लग रहा है, कभी जापान लग रहा है कभी इंडिया लग रहा है, एक फैसले पे कायम रहो। ये मुझे अब मुझे तो कुछ और लग रहा है। क्यों? अब मुझे ये अमेरिका लग रहा है। अमेरिका लग रहा है? कहाँ से अमेरिका लग रहा है? कुछ मतलब बस लग रहा है ना, क्या हो गया, लग रहा है बस। हमें एक जवाब चाहिए, तुम्हारी एक जुबान नहीं है। अच्छा ये जापान ही है मतलब, देख सकते हैं ना, देखने में क्या, ठीक है एक माइंड है उसमें तो कुछ भी आ सकता है। मुझे ये बताओ कि आपने अभी कहा कि ये जापान ही है, इंडिया ने मैंने जापान अपने अंदर बना लिया है, डेवलप हो गया है काफ़ी ज़्यादा इंडिया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन अपनी कंट्री से करें तो हमारी कंट्री जीरो है और इंडिया, इंडिया अच्छा है। इस वीडियो में तो अच्छा लग रहा है, वैसे तो मैं कभी गई नहीं। हमारा जीरो है तो उनको उनको क्या कहोगी? उनको यही कहूँगी इसी तरह साफ रखो। और हमें क्या कहोगी? हमें कहूँगी इंडिया से सीखो। हाँ इंडिया से सीख लो। नहीं नहीं इंडिया से सीखने की जरूरत है। क्यों नहीं? वो अगर वो अच्छा काम करे फिर भी नहीं सीखना? सीखना। अच्छा हमारी नेबरिंग कंट्री में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट देख के आपको कैसा लग रहा है? ज़ाहिर है उसकी डेवलपमेंट तो अच्छी होगी, उसकी वजह है कि एक तो उनकी इकोनॉमी, दूसरा उनकी आबादी, और दूसरा सबसे बड़ी बात है पेट्रियोटिज्म जो हमारे पास नहीं है। हम बटे हुए हैं मुख्तलिफ फ़िरकों में, मुख्तलिफ सेक्ट्स में, तो वहाँ ये नहीं है। वहाँ पर दूसरे लफ्ज़ों में कहना भारत माता के नाम पर सब एक हो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। तो उन्होंने अपने मुल्क को डेवलप किया। आप दूर ना जाएं, साथ वाला मुल्क देख लें, बांग्लादेश जो कभी हमारा हिस्सा था, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उनकी इकॉनमी कहाँ चली गई, उनका शऊर हमसे बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। लेकिन होगा, वक्त लगेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरीके से इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया, ग्रूम कर रहा है इंडिया, आपको लगता है कि हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है इस वक्त अपनी कंट्री में? नहीं, हमें उनसे सीखने की क्या ज़रूरत है, हमें खुद से सीखना चाहिए। खुद से तो हमने सीख लिया। नहीं हम सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। खुद से सीख लिया हमने। सीखा जा सकता है। हाँ। क्यों नहीं सीखा जा सकता? अच्छा, ये बताएं, दोनों मुल्क 70 साल से ज़ायद हो गए हैं, दोनों मुल्क पाकिस्तान इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, इंडिया इतना आगे बढ़ गया, हम वहीं पर लकीर के फ़कीर बनकर खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, इंडिया जिस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है, आने वाले सालों में इंडिया कहाँ होगा? आने वाले सालों में इंडिया एक बेहतरीन एशियन पावर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, वो नज़र आ रहा है। इकॉनमी के लिहाज से भी और डिफेंस के लिहाज से भी इंडिया एक पावर है और बनेगा। मिनी जापान तो बन ही चुका है। हाँ वो मिनी जापान बन सकता है, हो सकता है मिनी सैन फ्रांसिस्को भी बन जाए। ओके।
थैंक यू। अच्छा, आपने कहा था कि यूरोपियन कंट्री वाला टच आ रहा है, मुझे ये बताया इतनी डेवलपमेंट अपनी यूरोपियन कंट्री में देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये एशियन कंट्री में देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में भी इससे ज़्यादा ग्रीनरी हो चुकी हुई है। जब से खान साहब ने बिलियन ट्री सुनामी का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, और उसी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उजागर हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरीके से आपने कहा यूरोपियन कंट्री लग रही है, अगर कोई हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में से हमारी भी वीडियो का क्लिप देखे और हमें भी कहे कि यूरोपियन कंट्री लग रही है, तो कैसा महसूस होगा आपको? बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब वो ये वाला इंप्रेशन आए कि पाकिस्तान इतना साफ सुथरा है, पाकिस्तान में इतनी ग्रीनरी है, तो वी फील प्राउड फॉर दैट। मुझे ये बताएं कि इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को ग्रूम किया। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान भी चूँकि उतनी बड़ी इकोनॉमी ना होने की वजह से बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं इस गवर्नमेंट को, लेकिन खान साहब उसको ऊपर ओवरकम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है और मैं खान साहब के ऊपर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को इन तमाम भंवरों में से बाहर निकाल कर बहुत जल्दी आगे लेके जाएंगे।